होम इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी रिपेयर सेंटर में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक वीडियोकॉन की एलईडी आई है 32 इंच। तो इसमें क्या हो रहा है कि देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें हम पावर ऑन करने के बाद देखो इंडिकेटर शुरू होगा और इसमें नो पिक्चर का प्रॉब्लम है। ये आपकी बैक लाइट जल रही है इसमें और इसमें नो पिक्चर का प्रॉब्लम है। तो आपको मैं इसका मॉडल नंबर दिखा देता हूँ। इसका मॉडल नंबर है B322A। तो इसका देख लें आप किस प्रकार से इसे रिपेयर करेंगे। ये नो पिक्चर में है। इसका पैनल ये है, आपको दिखा देता हूँ मैं, सिंगल आईसी का पैनल है। तो आप इसे किस प्रकार रिपेयर करेंगे, आप ध्यान से देखना है इस वीडियो को। अब हमने समय बचाने के लिए इसका जो है, हमें जो है मेन बोर्ड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें जो फॉल्ट है हमारा पैनल में है। तो इस वजह से हमने पैनल का बोर्ड जो खोल दिया है। तो इस प्रकार से इसका बोर्ड है, इसे हमने हटा दिया है। और इस प्रकार से हटाने के बाद हम खाली पैनल पे ही वर्क करेंगे, इसलिए हमने पैनल का। तो आप इसे क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम प्राइमरी बोर्ड चेक करेंगे। तो प्राइमरी बोर्ड चेक करने के लिए सबसे पहले हमें जो है बीसीसी चेक करेंगे इसकी। तो बीसीसी हमारी जो है 12 वोल्ट आ रही है। उसके बाद क्या चेक करेंगे हम, इसके हम 3.3 वोल्ट चेक करेंगे। तो इसके 3.3 वोल्ट चेक करेंगे इसके। ये हमारी जो है बीसीसी है इसकी। ये हमारी 3.3 वोल्ट हो गई हमारी प्राइमरी वोल्ट। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, 1.8 वोल्ट इसके। तो ये हमारे 1.8 वोल्ट हैं। तो ये हमारे 1.8 वोल्ट भी आ रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारी जो बीजीएच वोल्ट नहीं बनना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, बीजीएच वोल्ट हमारे रही है। तो बीजीएच वोल्ट जो है ये नहीं बन पा रहे, 0.1 वोल्ट बन रहा है। तो ये हमारे बीजीएच वोल्ट नहीं बन पा रहे हैं। और इसमें हम देखते हैं कि एबीडीडी वोल्ट हमारा वो भी नहीं बन पा रहा है। तो इसमें क्या हो गया, होता है कि इसकी जो हमारी ये जो नहीं बन पा रहे हैं, यानी कि हमारी सेकेंडरी वोल्ट इसमें नहीं बन पा रहे हैं। तो हमारी जो गेट है, गेट कॉक की जो है पैनल की, शॉर्ट हो चुकी है। तो हम इसकी क्या करेंगे, सीकेबी लाइनें कट करेंगे। तो सीकेबी लाइनें कट करने के बाद आप देखते हैं दोनों साइडों में इसकी सीकेबी लाइनें होती हैं। तो मैं इसको जो साफ कर ले रहा हूँ, उसके बाद आपको साफ करने के बाद क्या करेंगे, मैं आपको बता दूं, आपको जूम करके दिखा दूं। ये हमारी लाइन होती है ऊपर, एक ये होती है और एक ये, उसके बीच में लगे हुए हमारे चार पॉइंट होते हैं। तो चारों पॉइंटों को हमें काटना होगा। तो काटने के बाद चेक करते हैं। तो ये मैंने लाइनें जो है काट दी हैं। अभी जो है इसके बाद क्या होगा कि अगर हमारा इधर से जो है सीकेबी लाइनें कट करने के बाद नहीं चलती है, तो हम जो है इधर की सीकेबी लाइनें काटेंगे। मगर मैंने अधिकतर देखा है कि जब भी हम पैनल रिपेयर करते हैं तो सीकेबी लाइनें इधर की ही इसकी शॉर्ट होती हैं। तो सबसे पहले मैं जो है इधर ही की काटता हूँ, यानी कि हम एलईडी इधर रखेंगे तो हमारी लेफ्ट हैंड की जो है सीकेबी लाइन है वो आपको कट करनी है। तो ये मैंने बता दी, ये पॉइंट है, दोनों पॉइंटों के बीच की जो सीकेबी लाइन है उन्हें आपको कट करना है। तो इन्हें पहले साफ करके कट करें अच्छी तरीके से, और कट करने के बाद देखते हैं कि इसमें क्या होता है। इसे अच्छी तरीके से आपको कट करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लाइन है हमारी, 1, 2, 3, 4। तो चारों को कट करना है आपको अच्छी तरीके से, मैं आपको कट करके दिखा देता हूँ।
इस प्रकार से आपको अच्छी तरीके से कट करनी है। कट करने के बाद क्या है कि अब हम इसे जो है ऑन करके चेक करेंगे कि हमारी सेकेंडरी वोल्टेज बने या नहीं बने। अब हम चेक करेंगे इसके, अब सेकेंडरी वोल्ट देखो चेक करेंगे तो अब किसके हमारी बीसीसी हमारी ये आ गई 12.5। ये आ गई 12.12 वोल्ट। इसके बाद हम चेक करेंगे इसकी बीसी 3.3 वोल्ट। ये हमारी 3.3 वोल्ट आ गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे इसकी बी ऑन वोल्ट चेक करेंगे। ये बी ऑन वोल्ट भी हमारे जो है ये आपको मैं दिखा दूं कि बी ऑन वोल्ट हमारे 30 वोल्ट बन चुके हैं और ये हमारे ये भी डीडी हमारी जो है ये बन चुकी है। ये भी डीडी 14 वोल्ट बन चुकी है। तो अब हम इसे जो है चेक करेंगे कि हमारी जो है पिक्चर हमारी बनी या नहीं बनी। देखिए आप पिक्चर जो है बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है। इसमें क्या हुआ कि कस्टमर ने जो है बंगाली भाषा लगा रखी है। मैं आपको इस पर वीडियो लगा के दिखाता हूँ। तो इस पे वीडियो बिल्कुल हमारी परफेक्ट चल रही है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप भी जो है पैनल को रिपेयर कर सकते हैं, आप भी इसी तरीके से पैनल को रिपेयर कर सकते हैं और हमारे पास आप पैनल भी रिपेयर करा सकते हैं। हमारे पास सभी तरह के पैनल रिपेयर किए जाते हैं। तो इस तरीके की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।